गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू जी के टूडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और आज हम डिस्कस करेंगे 26th ऑफ सितंबर के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। चलिए अपना सेशन हम स्टार्ट करते हैं। द नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ऑर्डर्ड अ बैन ऑन क्रूज शिप्स ऑपरेटिंग ऑन वाटर बॉडीज ऑफ विच इंडियन स्टेट। एंड जी टी ने हाल ही में कौन से स्टेट की वाटर बॉडीज में ऑपरेट होने वाली क्रूज शिप्स के ऊपर बैन लगा दिया है। तो ये स्टेट है मध्य प्रदेश। और एनजीटी ने ये बैन क्यों लगाया है? बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल कंसर्न। ठीक है। और जो क्रूज शिप्स हैं मध्य प्रदेश में, वो एनवायरमेंटल इशू बनती जा रही थी क्योंकि इनकी वजह से बहुत ज़्यादा नॉइज पोल्यूशन हो रहा था उस एरिया में, साथ ही इनएडिक्वेट वेस्ट डिस्पोजल की प्रॉब्लम हो रही थी और सीवेज कंटामिनेशन की। ठीक है। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए एनजीटी ने ये बैन लगा दिया है मध्य प्रदेश की वाटर बॉडीज़ में ऑपरेट होने वाली सभी क्रूज शिप्स के ऊपर। इसमें जो अपर लेक ऑफ भोपाल है वो भी इंक्लूडेड है। ठीक है। चलिए यहाँ पे कुछ स्टेट्स एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अमृत वृक्षा आंदोलन 2023 इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी। अमृत वृक्षा आंदोलन जो है ये किस स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड है, आपको ये बताना है। यहाँ पे आंसर है असम। असम के करंट चीफ मिनिस्टर कौन है? हेमंत बिस्व शर्मा। और एज अ पार्ट ऑफ अमृत वृक्षा आंदोलन, असम गवर्नमेंट ने पब्लिक सपोर्ट की हेल्प से लगभग 9 तरह के वर्ल्ड रिकॉर्ड्स कायम कर लिए हैं ड्यूरिंग अ ड्राइव, जिससे कि स्टेट की ग्रीन कवर को इंक्रीज किया गया है। ठीक है। इसमें बहुत सारे रिकॉर्ड्स अटेम्प्ट करने की कोशिश की गई है, लाइक लार्जेस्ट स्पाइरल ऑफ सैपलिंग, फिर लार्जेस्ट नंबर ऑफ सीडलिंग्स जिनको कि डिस्ट्रीब्यूट किया गया सिर्फ एक सिंगल दिन में सिंगल वेन्यू पे, और सबसे ज़्यादा ट्रीज प्लांट किए गए 24 घंटे में, सबसे ज़्यादा ट्रीज प्लांट किए गए एक घंटे के अंदर बाय द टीम, और लार्जेस्ट प्लांटेड ट्री मोजाइक का भी रिकॉर्ड इन्होंने अटेम्प्ट किया था, और मोस्ट ट्रीज प्लांटेड बाय अ टीम ऑफ 100 इन एन आर। तो इस तरह के डिफरेंट रिकॉर्ड्स इन्होंने हाल ही में बनाए हैं। ठीक है। यहाँ पे आंसर है असम स्टेट। विच स्टेट अनाउंस्ड मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना, ये योजना कौन से स्टेट की है आपको ये बताना है। यहाँ पे आंसर है अरुणाचल प्रदेश, जहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं पेमा खांडू। इन्होंने अनाउंस किया कि मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना को लॉन्च किया जाएगा एज अ पार्ट ऑफ नेशनल लेबर डे सेलिब्रेशन। इस स्कीम में डिफरेंट तरह के बेनिफिट दिए जाएंगे, लाइक मैटरनिटी बेनिफिट, फिर इसके अलावा अगर नेचुरल डेथ हो जाती है तो उसके लिए कंपेंसेशन मिलेगा, एक्सीडेंट में डेथ होती है तो उसके लिए भी कंपेंसेशन दिया जाएगा, फ्यूनरल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी, मेडिकल असिस्टेंस दी जाएगी, और साथ ही और भी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड हैं। तो ये सारी जो सर्विसेज हैं ये ऑलरेडी दी जाती थी, लेकिन अब इस योजना में हो क्या रहा है, इसमें जो है जो इसका पैसा है वो कहीं ना कहीं बढ़ाया जा रहा है, अमाउंट में इंक्रीमेंट किया जा रहा है। ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश की ये योजना है। विच स्टेट अप्रूव्ड कंपनसेशन प्लान फॉर वुमेन विक्टिम्स एंड सर्वाइवर्स ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट एंड अदर क्राइम्स। जो लोग कल का लेक्चर देख के आए हैं उन्हें पता होगा कि ये क्वेश्चन हमने कल ही डिस्कस किया है। यहाँ पे आंसर है मणिपुर। शांति निकेतन विच वॉज डेजिग्नेटेड एज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लाइज इन विच इंडियन स्टेट। शांति निकेतन लाया करता है वेस्ट बंगाल में, और पहले ये एक रेजिडेंशियल स्कूल हुआ करता था। इसको फाउंड किसने किया है? पोइट रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। ठीक है। विच इंडियन स्टेट लॉन्च फ्री ब्रेकफास्ट स्कीम स्कूल्स फॉर द स्टूडेंट्स आफ्टर तमिलनाडु। अभी तक जब भी फ्री ब्रेकफास्ट स्कीम की बात होती थी तो हमें तमिलनाडु याद आता था, क्योंकि तमिलनाडु ने ये स्कीम लॉन्च की सबसे पहले अपने यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए, लेकिन अब इसको फॉलो करने वाला स्टेट कौन बन गया है? तेलंगाना। विच स्टेट लॉन्च मोबाइल वैन प्रोग्राम टू प्रमोट नेचुरल फार्मिंग। नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए मोबाइल वैन प्रोग्राम स्टार्ट किया है हिमाचल प्रदेश ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेफर्ड एक्शन फॉर चाइल्डहुड अराइवल्स प्रोग्राम इज एसोसिएटेड विद विच कंट्री। डाका प्रोग्राम जो है ये किस कंट्री से एसोसिएटेड है आपको ये बताना है। तो ये यूएसए का प्रोग्राम है, सबको पता है, और किस वजह से आजकल चर्चे में है, क्योंकि यूएस की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने हाल ही में डिक्लेयर किया है कि ये जो डाका प्रोग्राम है ये टोटली इलीगल है, और फिलहाल तो इसने किसी भी तरह का ऐसा ऑर्डर नहीं दिया है कि इसको इमिडिएट तौर पे टर्मिनेट किया जाए, लेकिन फिर भी इन्होंने इसको इलीगल हाल ही में घोषित कर दिया है। और डाका इस्टेब्लिश हुआ था 2012 में। इसमें क्या होता है, इसमें जो है अनडॉक्यूमेंटेड इमाइग्रेंट्स को अलाउ किया जाता है कि वो यूएस आ सकें एज चिल्ड्रन, और फिर वो अप्लाई करते हैं फॉर अ डिफरमेंट ऑफ लीगल एक्शन एंड वर्क ऑथराइजेशन। ठीक है। तो डाका प्रोग्राम किस कंट्री का है? आंसर है यूएसए। अच्छा, यहाँ पे मैं असम स्टेट के बारे में एक और चीज़ बताना चाहती हूँ, शायद मैं भूल गई थी। असम के चीफ मिनिस्टर कौन है? हेमंत बिस्व शर्मा। ये आजकल काफ़ी चर्चे में है क्योंकि इनको अवार्ड मिला है ली कुआन यू एक्सचेंज फेलोशिप का। ठीक है।
किस लिए दिया गया? इनके कॉन्ट्रीब्यूशन को रिकग्नाइज करते हुए जो इन्होंने असम स्टेट के डेवलपमेंट में अपना योगदान दिया है उसके लिए। और ये जो फेलोशिप है ये सिंगापुर के फाउंडिंग प्राइम मिनिस्टर मिस्टर ली क्वान यू के नाम के ऊपर रखा गया है, और ये ऐसे इंडिविजुअल्स को दिया जाता है जिनका कुछ सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन होता है नेशन के डेवलपमेंट में, साथ ही जो सिंगापुर के साथ उनके ताल्लुक हैं उनको मजबूत करने में। ठीक है, तो इसी के साथ हेमंत बिस्व शर्मा पहले चीफ मिनिस्टर हो गए हैं असम के जिनको ये ऑनर दिया गया है, और इसी के साथ इन्होंने रैंक ऑफ डिस्टिंग्विश्ड रेसिपियंट्स की लिस्ट को ज्वाइन कर लिया है, लाइक अरुण शौरी, शिवराज सिंह चौहान एंड मोन्तेक सिंह अहलू वालिया। ठीक है, तो हो सकता है आपसे पूछा जाए कि कौन से स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं जिनको हाल ही में ली क्वान यू एक्सचेंज फेलोशिप का अवार्ड दिया गया। ये स्टेट है असम, यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत बिस्व शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज एनफोर्स्ड अ यूरोपियन यूनियन बैन ऑन ऑल रशियन रजिस्टर्ड पैसेंजर कार्स एंटरिंग द कंट्री? कौन सी कंट्री है जिसने यूरोपियन यूनियन बैन हाल ही में इन्फोर्स कर दिया है सभी तरीके की रशियन रजिस्टर्ड पैसेंजर कार्स के ऊपर जो कंट्री में एंटर कर रही हैं? तो ये कंट्री है पोलैंड। पोलैंड ने ये स्टार्ट कर दिया है कि इन्होंने यूरोपियन यूनियन का जो बैन है सभी रशियन रजिस्टर्ड पैसेंजर कार्स के ऊपर उसको इन्फोर्स कर लिया है जो कंट्री के अंदर एंटर कर रही हैं उनके ऊपर, और ये है इन लाइन विथ यूरोपियन यूनियन के सैंक्शंस अगेंस्ट रशिया। किस वजह से? बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर। ठीक है, और ये जो मूव है ये बहुत जल्द आया जब लिथुआनिया कंट्री और लैटविया और एस्टोनिया ने इम्प्लीमेंट किया ऐसा ही बैन ऑन द व्हीकल्स विद रशियन लाइसेंस प्लेट, और ये डिसीजन रिफ्लेक्ट करता है यूरोपियन यूनियन के स्टैंड को ऑन रशियाज एक्शन इन यूक्रेन, और जो एक तरह से रशिया जो थ्रेट बन चुका है इंटरनेशनल सिक्योरिटी के लिए उसके अगेंस्ट। ठीक है, तो ये कंट्री कौन सी है? आंसर है पोलैंड। चलिए कुछ इंटरनेशनल करंट अफेयर्स एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। विच कंट्री हैज सस्पेक्टेड इंडिया इन अ सिख लीडर मर्डर? ये काफ़ी ज़्यादा आजकल ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है और यहाँ पे आंसर है कैनेडा। लैम्पेडूजा विच वॉज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच कंट्री? लैम्पेडूजा एक आइलैंड है जो कि इटली कंट्री में लाई करता है। किस वजह से आजकल चर्चे में है? क्योंकि यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट ने 10-पॉइंट एक्शन प्लान तैयार किया है इस आइलैंड की हेल्प के लिए, जिसमें कि ये यूज़ करेंगे यूरोपियन यूनियन के एक्सटर्नल बॉर्डर्स एजेंसी को, जैसे कि माइग्रेंट्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा जो कि अराइव करते हैं और जबकि वो नहीं एलिजिबल होते हैं एजाइलम के लिए। ठीक है, तो लगभग 1,26,000 माइग्रेंट्स अराइव हो चुके हैं इटली कंट्री में इसी साल सिर्फ, और ये फिगर डबल है अगर हम 2022 से कंपेयर करें। तो यही रीज़न है कि इस आइलैंड को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है इटली। विच कंट्री हैज़ बिन रिकॉर्डिंग इंक्रीजिंग नंबर ऑफ केसेज ऑफ वेस्ट नाइल वायरस? वेस्ट नाइल वायरस तेजी से फैल रहा है USA में। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ एशियन गेम्स 2023? इसके लिए वेन्यू है चाइना। इंडिया हैज़ रीच्ड आउट टू विच कंट्री टू रिस्टॉक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी डोजेस टू कॉम्बैट द निपाह वायरस? निपाह वायरस जो है ये कहाँ फैल रहा है? केरला स्टेट में, यहाँ के कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट में स्पेशली, और इसके लिए हमने अब कौन सी कंट्री से हेल्प लेनी शुरू कर दी है? ये कंट्री है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है, द रैपिड एक्शन फोर्स इज अ स्पेशलाइज्ड विंग ऑफ विच इंस्टीट्यूशन? आपको बताना है कि RAF कौन से इंस्टीट्यूशन की एक स्पेशल विंग होती है। तो रैपिड एक्शन फोर्स एक स्पेशलाइज्ड विंग है CRPF की, मतलब सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ऑफ इंडिया की, जो कि डील करती है रॉयट या फिर क्राउड कंट्रोल सिचुएशन से, और सेंट्रल गवर्नमेंट कंसीडर कर रही है रैपिड एक्शन फोर्स को विथड्रॉ करना फ्रॉम वॉयलेंस हिट मणिपुर, लेकिन एक बार में नहीं हटाया जाएगा जबकि ये फेजेस में होगा। ठीक है, तो RAF की बात करेंगे तो इसको रेज किया गया था 1992 में ताकि ये सभी तरह के रॉयट्स के साथ डील कर सके, और लगभग 200 लोग ऐसे हैं जिनकी डेथ हो गई है बिकॉज ऑफ कन्फ्लिक्ट जो मणिपुर में स्टार्ट हुआ था अमंग द मीतीज एंड द कुकीज। कब स्टार्ट हुआ था? 3 मई को। और लगभग 60,000 लोग ऐसे हैं जो मजबूर हो गए अपने घर को छोड़ के कहीं और सेटल होने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। चलिए कुछ इंस्टीट्यूशन एक बार देख लेते हैं जो आजकल चर्चे में है। विच इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश्ड ओवर 6,000 स्टैंडर्ड क्लब्स फॉर स्टूडेंट्स अक्रॉस नेशन? कौन सी इंस्टीट्यूशन है जिसने 6,000 से भी ज़्यादा स्टैंडर्ड क्लब्स को एस्टैब्लिश कर दिया है स्टूडेंट्स के लिए नेशन के अंदर? तो ये है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जो कि हमारी नेशनल स्टैंडर्ड्स बॉडी होती है। इन्होंने अनाउंस किया कि ये एस्टैब्लिश कर चुके हैं 6,467 स्टैंडर्ड क्लब्स स्कूल्स और कॉलेजेस में कंट्री के अंदर, और BIS के मुताबिक जो स्टैंडर्ड क्लब्स हैं ये एस्टैब्लिश्ड क्यों किए गए हैं? तो इनका ऑब्जेक्टिव है जो यंग मेंबर्स ऑफ सोसाइटी हैं उनको सेंसिटाइज करना अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स, ताकि वो अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। विच इंस्टीट्यूशन इंट्रोड्यूस द नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल असिस्टिव प्रोडक्ट? यहाँ पे आंसर हो जाएगा
इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च. विच इंस्टीट्यूशन अनाउंस्ड स्पेशल अवार्ड्स टू द आर्टिस्ट अबव 75 ईयर्स ऑफ एज. कौन से इंस्टीट्यूशन है जिसने स्पेशल अवार्ड्स अनाउंस किए हैं उन सभी आर्टिस्ट के लिए जो 75 प्लस हो चुके हैं. ये है संगीत नाटक एकेडमी. और दो कंडीशन रखी गई है इसके लिए. सबसे पहले तो ये आर्टिस्ट जो हैं वो 75 प्लस होने चाहिए. सेकंड कंडीशन ये है कि उनको किसी भी तरह का नेशनल ऑनर अब तक नहीं मिला होना चाहिए. ठीक है. विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च ग्रास रूट्स इनिशिएटिव टू प्रमोट इंडियन स्टैंडर्ड्स इन रूरल एरियाज. यहाँ पे एक बार फिर से आंसर है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द फाइनल मीटिंग ऑफ द G20 फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप. G20 फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप की जो चौथी और फाइनल मीटिंग हुई है इसके लिए होस्ट सिटी कौन सी है आपको ये बताना है. सबसे पहले ये फोर्थ और फाइनल मीटिंग थी अंडर इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी. ये कंडक्ट हुई है छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर में. ठीक है. तो लगभग 65 डेलीगेट्स फ्रॉम G20 मेंबर्स एंड इनवाइटी कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया और इंटरनेशनल और रीजनल ऑर्गेनाइजेशन से भी इसमें लोग आए थे हिस्सा लेने. और जो फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप है उसका क्या वर्क हुआ है वही इसमें हाईलाइट किया गया ड्यूरिंग इंडियाज प्रेसिडेंसी ऑफ द ग्रुपिंग. ठीक है. तो यहाँ पे याद रखिएगा इसके लिए वेन्यू है रायपुर सिटी. यहाँ पे कुछ वेन्यूज देखेंगे जो G20 से रिलेटेड हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए. सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें वेयर इज द कल्चर कॉरिडोर G20 डिजिटल म्यूजियम लोकेटेड. ये जो म्यूजियम है ये नई दिल्ली में सिचुएटेड है. विच कंट्री और ब्लॉक हैज़ बीन रिसेंटली एडमिटेड एज द परमानेंट मेंबर ऑफ G20. जो अफ्रीकन यूनियन है ब्लॉक ये परमानेंट मेंबर हो चुका है G20 का और इसमें टोटल 55 कंट्रीज मौजूद हैं. विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द G20 ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग. इसके लिए वेन्यू रखा गया जयपुर सिटी को. वेयर इज द फोर्थ G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग हेल्ड रिसेंटली. ये हुई है वाराणसी सिटी में. विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द G20 एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी मिनिस्ट्रियल मीटिंग. इस मीटिंग के लिए होस्ट सिटी थी चेन्नई. ठीक है. व्हाट आर द डिनोमिनेशंस ऑफ द कमेमोरेटिव कॉइन्स टू मार्क इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी. और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है. इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी को मार्क करने के लिए दो तरह के कॉइन्स को कमेमोरेट किया गया है. फर्स्ट है इसमें 100 रुपीज़ का कॉइन और सेकेंड है 75 रुपीज़ का कॉइन. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है IREDA जिसका फुल फॉर्म है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी has signed memorandum of understandings with which institution for financing renewable energy project. Renewable energy project को finance करने के लिए IREDA ने किस institution के साथ ये MOU sign किए हैं. तो यहाँ पर answer है Bank of Maharashtra. और ये जो collaboration है इसका aim क्या है, co-lending और loan syndication को promote और facilitate करना for renewable energy project across the nation. और इस एग्रीमेंट के तहत जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र है वो बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करेगा जो कि इशू होंगे बाय IREDA. ठीक है. तो यहाँ पे आंसर है बैंक ऑफ महाराष्ट्र. चलिए यहाँ पे कुछ बैंक्स एक बार रिवाइज करते हैं. फर्स्ट है विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द रिकमेंडेशंस ऑन रेशनलाइजेशन ऑफ एंट्री फीस एंड बैंक गारंटीज. कौन सी इंस्टीट्यूशन है जिसने कुछ रिकमेंडेशंस जारी किए हैं कि किस तरह से हम एंट्री फीस और बैंक गारंटीज को और रेशनलाइज कर सकते हैं. ये कौन है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया. और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने इसके लिए कुछ रेफरेंस सेंड किए हैं टू TRAI जिससे कि जो एंट्री फीस है और बैंक गारंटीज़ हैं डिफरेंट लाइसेंसेस की ऑपरेटिंग इन द टेलीकॉम सेक्टर वो रेशनलाइज हो जाएंगे. और अथॉरिटी जो है वो रिकमेंड कर रही है नो एंट्री फीस एट द टाइम ऑफ रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस. ठीक है. तो यहाँ पे आंसर है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया. विच बैंक लॉन्च द नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड टू फैसिलिटेट सीमलेस कस्टमर कम्यूटिंग एक्सपीरियंस. तो नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड जो है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है. इंडिया इज सेट टू ओपन अ क्लाइमेट चेंज एंड हेल्थ हब इन विच सिटी इन पार्टनरशिप विद एशियन डेवलपमेंट बैंक. इंडिया क्लाइमेट चेंज एंड हेल्थ हब इस्टेब्लिश कर रहा है नई दिल्ली में बाय कोलाबरेटिंग विद एशियन डेवलपमेंट बैंक. इसका हेडक्वार्टर है फिलीपींस में. PR सेशाद्री हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू MD एंड CEO ऑफ विच बैंक. PR सेशाद्री हाल ही में नए MD और CEO नियुक्त हुए हैं साउथ इंडियन बैंक के. ठीक है. एज पर रिसेंट RBI स्टडी विच स्टेट टॉप द लिस्ट ऑफ स्टेट्स दैट अट्रैक्टेड इन्वेस्टमेंट फंड्स फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन 2022-23. रिसेंट RBI स्टडी के मुताबिक जो उत्तर प्रदेश स्टेट है इसने सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट फंड अट्रैक्ट किए हैं फ्रॉम बैंक्स एंड डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अप्रूव्ड वेलफेयर मेजर्स फॉर द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ विच इंस्टीट्यूशन. मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने कुछ मेजर्स जारी किए हैं, कुछ वेलफेयर मेजर्स अप्रूव किए हैं एक्चुअली किस इंस्टीट्यूशन के एम्प्लॉयज के बेनिफिट के लिए. तो यहाँ पे आंसर है LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया. और ये जो वेलफेयर मेजर्स हैं ये रिलेटेड हैं टू द अमेंडमेंट्स ऑफ LIC रेगुलेशंस 2017
जिसमें जो यूनिफॉर्म रेट है फैमिली पेंशन का या जो ग्रेच्युटी लिमिट है उसको बढ़ाने की बात की गई है, और इसके थ्रू मोर देन 13 लाख एजेंट्स और मोर देन 1 लाख रेगुलर एम्प्लॉयज़ को फ़ायदा पहुँचेगा। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ये वेलफेयर मेजर्स जारी किए हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑफ LIC। चलिए कुछ मिनिस्ट्रीज़ हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वेदर इन्फॉर्मेशन नेटवर्क डेटा सिस्टम दैट इज़ विंस इज एसोसिएटेड विद विच यूनियन मिनिस्ट्री। विंस किस मिनिस्ट्री से रिलेटेड है? एक्चुअली मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने हाल ही में 3 तरह के इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं। इसमें पहला है किसान ऋण पोर्टल, सेकेंड है KCC घर घर अभियान, जो कि एक तरह का एम्बिशियस कैंपेन है जिसका एम होता है जो किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम है उसके बेनिफिट्स को एक्सटेंड करना सभी फार्मर तक नेशन के अंदर। और थर्ड इनिशिएटिव था इनका मैनुअल ऑन वेदर इन्फॉर्मेशन नेटवर्क डेटा सिस्टम, मतलब WINS। ठीक है, तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन और हमारे मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने इन तीनों ही इनिशिएटिव्स को हाल ही में अनवील किया है, जिनका फोकस है एग्री क्रेडिट एंड क्रॉप इंश्योरेंस। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन फंक्शंस अंडर विच यूनियन मिनिस्ट्री? KVIC फंक्शन करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ MSME। बात करते हैं किस वजह से ये चर्चे में है आजकल। तो KVIC ने कुछ MOUs साइन किए हैं विद प्रसार भारती, NBCC लिमिटेड एंड डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन। ठीक है, और इन MOUs का ऑब्जेक्टिव क्या है? एक रोड मैप प्रिपेयर करना जिससे कि KVIC को मॉडर्नाइज किया जा सके और इसके प्रोडक्ट्स को फेमस किया जाए अमंग द यूथ। ठीक है, तो NBCC इंडिया लिमिटेड जो है वो कुछ नए मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर इस्टेब्लिश करेगा फॉर खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन कंट्री के अंदर बहुत जल्द। तो यहाँ पे आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ MSME। फाइनेंस मिनिस्ट्री नोटिफाइड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाउ मेनी अपेलेट ट्राइब्यूनल्स फॉर द GST? यहाँ पे आंसर है 31। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने हाल ही में नोटिफाई किया है कि 31 अपेलेट ट्राइब्यूनल्स को फॉर्म किया जाएगा फॉर द GST इश्यूज, क्योंकि जो डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग GST हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च द मेरा बिल मेरा अधिकार स्कीम? ये स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की। ठीक है, विच यूनियन मिनिस्ट्री एक्सटेंडेड द डेडलाइन फॉर इनेबलिंग आधार बेस्ड पेमेंट फॉर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट वर्कर्स? इन वर्कर्स के लिए जो आधार बेस्ड पेमेंट है उसकी डेडलाइन को बढ़ा दिया गया है, और कौन सी मिनिस्ट्री ऐसा कर सकती है? तो आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। सारे लोग कमेंट्स में बताएंगे कि हमारे मिनिस्टर फिलहाल कौन है रूरल डेवलपमेंट के। किसी को भी अगर यहाँ पे मेरी स्पीड बहुत फास्ट लग रही है तो प्लीज़ आप यूट्यूब का फीचर यूज़ करके अपनी प्लेबैक स्पीड को स्लो डाउन कर सकते हैं। रीज़न क्या है इतना फास्ट पढ़ाने का? कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर करना। अदरवाइज अगर आप बोलेंगे तो मैं रिवीजन वाला जो स्लाइड रहता है उसको हटा के फिर ये जो आज के क्वेश्चंस हैं उनको मैं धीरे धीरे बहुत ही आराम से पढ़ा सकती हूँ, कोई टेंशन नहीं उसकी। तो मेरा पर्पज़ ये है कि कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज दिया जा सके न्यूज़ एंड इवेंट्स का, तो यही रीज़न है कि हम इतना फास्ट रहते हैं। तो किसी को अगर प्रॉब्लम है तो उसका भी इशू नहीं है, आप प्लेबैक स्पीड को कम कर सकते हैं बहुत ईजीली। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ नीरज चोपड़ा इन द मेंस जैवलिन थ्रो इवेंट एट द डायमंड लीग्स 2023 फाइनल? आपको बताना है नीरज चोपड़ा की पोजीशन क्या रही मेंस जैवलिन थ्रो इवेंट के दौरान एट द डायमंड लीग 2023 फाइनल्स। याद होगा आपको डायमंड लीग 2022 जो है वो जीता था नीरज चोपड़ा ने, लेकिन इस साल ये सेकेंड पोजिशन पर रहे विद द बेस्ट एफर्ट ऑफ 83.8 मीटर्स। ओके, और लास्ट ईयर अगर आपको याद हो कि नीरज चोपड़ा जो है ये फर्स्ट इंडियन भी थे जिन्होंने डायमंड लीग ट्रॉफी को जीता था, और इस साल विनर कौन है? तो ये हैं जेकब वदलिच जो कि जेक रिपब्लिक से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और 2016 और 2017 में भी ये इसके विनर रह चुके हैं। इसी के साथ ये इनका थर्ड टाइटल है, और इस साल का इनका बेस्ट थ्रो कितना रहा? 84.24 मीटर्स का। बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस था, लेकिन अब नीरज चोपड़ा सेकेंड पोजिशन पर हैं। चलिए कुछ स्पोर्ट रिलेटेड करंट अफेयर्स एक बार देख लेते हैं। इलेवनिल वलारिवन हु वॉज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली प्लेज विच स्पोर्ट? ये जो है शूटिंग से एसोसिएटेड है। किस वजह से आजकल चर्चे में है? क्योंकि इन्होंने अपना सेकेंड गोल्ड जीता है एट द ओलंपिक शूटिंग सेंटर रेंज इन द रियो डी जेनेरियो। ठीक है, और इन्होंने क्लिंच किया था वुमेन्स 10 मीटर्स एयर राइफल टाइटल एट द ऑन गोइंग इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड कप राइफल पिस्टल स्टेज। ठीक है, तो इलेवनिल वलारिवन जो है ये शूटिंग से रिलेटेड। जी देसवाइनी एंड बोमिनी मोनिका अक्षय हु वर सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली प्ले विच स्पोर्ट? ये क्वेश्चन हमने कल ही डिस्कस किया है, तो यहाँ पर डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आंसर है चेस। अलेक्जेंडर ग्रिशुक हु वॉज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? ये भी चेस से रिलेटेड है, और ये कौन सी कंट्री को बिलोंग करते हैं? तो ये रशिया से हैं। इसके अलावा ये क्यों चर्चे में थे? क्योंकि इन्होंने ब्लिट्स चेस टाइटल हाल ही में जीता है।
दिव्या देशमुख हु वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट. दिव्या देशमुख भी चेस से एसोसिएटेड है. किस वजह से चर्चे में है, क्योंकि उन्होंने वुमेन्स रैपिड टाइटल जीता है. कहाँ पे? एट टाटा स्टील चेस इंडिया टूर्नामेंट, विच वॉज द फर्स्ट मेजर स्पोर्ट्स इवेंट टू ऑफर इक्वल प्राइज मनी टू मैन एंड वुमेन. मैन एंड वुमेन को इक्वल प्राइज मनी अब देने की बात हुई है US ओपन में. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रेसिंग ड्राइवर वन द सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स टूर्नामेंट. सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स टूर्नामेंट किसने जीता है? यहाँ पे आंसर है कार्लोस सेंस, जो कि स्पेन कंट्री को बिलोंग करते हैं और इन्होंने ये टूर्नामेंट जीत लिया है. सेकेंड पोजिशन पे थे इसमें लैंडो नॉरिस और थर्ड पे थे लुइस हैमिल्टन. सरप्राइजिंगली मैक्स वर्स्टैपेन जो है ये फिफ्थ पोजिशन पे रहे. ठीक है, हम देख रहे थे कि मैक्स वर्स्टैपेन इस साल बैक टू बैक कई सारे टूर्नामेंट्स जीत चुके हैं, लेकिन इस टूर्नामेंट में ये जो है फिफ्थ पोजिशन पे रहे. तो बस याद रखिएगा, ये टूर्नामेंट किसने जीता? कार्लोस सेंस ने. इनकी कंट्री कौन सी है? स्पेन. यहाँ पे चार तरीके के ग्रैंड प्रिक्सेस का नाम लिखा है और इनके विनर का नाम आपको बताना है. मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे सबके आंसर मैक्स वर्स्टैपेन है. क्वेश्चन क्विकली देख लेते हैं. विच रेसिंग ड्राइवर क्लिंच द डच ग्रैंड प्रिक्स फॉर द थर्ड ईयर इन अ रो? आंसर है मैक्स वर्स्टैपेन. विच F1 रेसिंग ड्राइवर हैज सिक्योर्ड 8 कंसेक्यूटिव विन आफ्टर क्लिंचिंग बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स? ये भी जीता है मैक्स वर्स्टैपेन ने. विच रेसिंग ड्राइवर हैज वन द हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स? फिर से मैक्स वर्स्टैपेन. विच रेसिंग ड्राइवर वन द मियामी ग्रैंड प्रिक्स टाइटल? आंसर है मैक्स वर्स्टैपेन. तो यहाँ पे सबका आंसर है मैक्स वर्स्टैपेन. सबको बताना है मैक्स वर्स्टैपेन कौन सी कंट्री को बिलोंग करते हैं. लास्ट क्वेश्चन पे आएंगे, विच सिटी होस्टेड द नेशनल वर्कशॉप ऑन ई नाम 2.0 एंड एग्री मार्केटिंग रिफॉर्म्स? कौन सी सिटी ने इस पर्टिकुलर वर्कशॉप को हाल ही में होस्ट किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने इसको ऑर्गेनाइज किया था नई दिल्ली में. और टिल अगर हम बात करें 31st of August 2023 तक की, तो 1361 एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट मार्केट कमिटीज़ जो हैं वो इंटीग्रेट हो चुकी हैं ई नाम के साथ, और इसमें कवर होते हैं 23 स्टेट्स एंड 4 यूनियन टेरिटरीज. और इस प्लेटफॉर्म पे 209 कमोडिटीज़ को अब तक ट्रेड किया जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है न्यू दिल्ली. तो इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को यहाँ पे कवर कर लिया. आई होप कि आज का सेशन आपने काफ़ी एंजॉय किया होगा और काफ़ी कुछ आपने नया भी सीखा है. चलिए अब आपके क्विज पे चलेंगे, जहाँ पर आपको स्क्रीन पे 5 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे. ये क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पीछे कहीं ना कहीं, तो यहाँ पर आपकी टर्न है इनका आंसर बताने की. वीडियो को पॉज करिए, ध्यान से हर एक क्वेश्चन को पढ़िए, और इसमें से आपको जितने भी आते हैं आप उनका जवाब कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, और जो नहीं आते उसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इम्प्रूव करेगा, बस आपको हमारे साथ कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है. सो दैट्स इट फॉर टुडे. आई होप यू हैव लाइक द सेशन. आज का सेशन आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा कॉमेंट्स में. साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं. हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की. तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ. टिल देन स्टे ट्यून्ड. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today. विद दिस मीनू हसना साइनिंग ऑफ.